फिर बताइए दोनों गाने की जर्नी क्या है। सबसे पहले तो हमारे जो गाना है इसमें कि ये हमारा हीरो है, नाम बताओ। मेरा नाम साई स्वरूप मित्तल है। और दूसरे में ये हमारे भाई हैं। हेलो, माय नेम इज रमी थारानी। और तीसरा हमारा जो गाना था जो मेरे साथ किया था वो ये। हेलो, मेरा नाम नवीन कुमार पांडे। स्टार देखो, हमारी दो जो एक्टर थी वो एक्चुअली वो दिल्ली में है शूट पे, तो वो आ नहीं पाई। और ये हमारे साथ जो आर्टिस्ट है, अभी नेक्स्ट हमारा जो सॉन्ग है उसमें हम इनको ले रहे हैं। अभी हमारा काफ़ी गाने रिलीज हो चुके हैं बिफोर यू से, जिसमें गाना हमारा है क्या नाम, रंग दे मुझे तेरे इश्क में, और बिजी रहंदा है, थोड़ा सा पढ़ ले मुझको, काफ़ी गाना हुआ। अभी वैसे 90s का एक ऑरा क्रिएट करते हैं, उसकी थोड़ी याद दिलाते हैं, गाने की जर्नी किस तरह से है, दोनों गाने की कहाँ शूट हुआ था बता। ये हमारा गुरई में शूट हुआ था, फोकस स्टूडियो में, तो वहाँ लोकेशन बड़ा प्यारा है और बहुत प्यार से हम लोगों ने गाना शूट किया, बहुत अच्छे से गाना निकला हमारा। और ये हमारी कोरियोग्राफर है मोना जी, जिन्होंने सारा शूट किया हमारा गाने को, और कंटिन्यू ही कर रही है हमारे साथ और आगे भी करेंगी। तो जैसे थोड़ा सा मुझको पढ़ ले, तो ये थोड़ा सा पॉलिश टाइप रोमांस थोड़ा उस जी जी के साथ है ना, गाने का थोड़ा फील बताइए, लिरिक्स किसने लिखा। देखिए, लिरिक्स राइटर हमारे पास यहाँ है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, कहाँ गए, आ जाओ। इन्होंने अभी हमारे काफ़ी कंटिन्यू गाना कर रहे हैं, इनका नाम आप अपना नाम बताएं प्लीज। पीछे तो दोनों गाने इन्होंने लिखे। हाँ, ये दो गाने जो भी है इन्होंने लिखे हैं। एक ही करके बाकी स्टार का अपने गाने के बारे में थोड़ा सा बताएं। बताओ। देखिए, गाना बहुत ही अच्छा है और करने में मतलब गाना करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि सर का डायरेक्शन और मैम का कोरियोग्राफी सब बहुत ही बढ़िया है, और मतलब नई नई चीज़ करने को मिली मेरे को। मतलब अभी घोड़े पे थोड़ा मैं डरता ऊपर किया, मैंने गिर भी गया था मैं एक बार, पर मज़ा आया गाने करने में। और राहिल सर के साथ ही मेरा दूसरा गाना है और अभी आगे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। बताओ पहले, तुम बता दो। ओके ओके, माय सॉन्ग नेम इज़ रंग दे मुझे तेरे रंग में, तेरे इश्क में। एक्चुअली सो इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, तो जैसे कि सबकी हर एक्टर की ख्वाहिश होती है रोमांटिक सॉन्ग करने की, तो मुझे मौका मिला और मैंने किया। एंड या, इट्स रियली लवली सॉन्ग, आई लाइक इट। ओके, जर्नी, ओके, सो इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, तो हर बार यू नो रोमांस लाना कभी कभार ऐसा होता है कि मूड्स नहीं आ पाते कभी कभार, तो इसलिए ये बड़ी प्यारी फीलिंग है कि आपको मेमोराइज करनी पड़ती है अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस पिछले कुछ, यू नो तभी वो रोमांटिक मूड आ पाता है। तो इट वाज लवली, मतलब अगर बीच बीच में मूड नहीं आ रहा था तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेमोराइज दोस मोमेंट्स एक्चुअली। सो या मैम, आप बताइए गानों को, दोनों गानों के आपसे कोरियोग्राफ किया है जी जी, बताइए किस तरह से दोनों गाने थे और क्या डिफिकल्टीज या क्या मज़ा आया। मज़ा इसके लिए है, पहले तो नमस्ते सब आप लोगों को, और मज़ा इसके लिए है क्योंकि राहिल भाई के साथ में काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और इन्होंने जो म्यूज़िक दिया है वो बहुत प्यारी म्यूज़िक है, और आर्टिस्ट भी जितने हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं, और काम करने में भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक थोड़ा टीनेजर वाला स्टाइल, जिसमें लेटर देना, फूल देना, प्यार का इजहार करना, हॉर्स पे रन करना, वो सब चीज़ें थी, तो अच्छा लगा ये सारी चीज़ें करके। आजकल गाने यहाँ पे काफ़ी VFX उसमें रहता है, काफ़ी इंडोर शूट होता है, आपका ज़्यादातर गाना जो है आउटडोर है, बहुत अच्छे लोकेशन पे, वो 90s का फील देता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने सोचा कि ऐसे ऐसे गाने शूट करने हैं ऐसे ऐसे स्टाइल में। ये कॉन्सेप्ट मैं और राहिल भाई के ही है, और ये हम लोग ने फोकस स्टूडियो में किया है, फोकस स्टूडियो बहुत ही खूबसूरत है, संदीप जी वहाँ के मेन है बंदे, और इतना खूबसूरत लोकेशन है वहाँ का, इसके लिए हम हर जगह चाहते हैं कि हर जगह कैप्चर करें, पर उतना हो नहीं पाता है, अभी भी बहुत जगह बाकी है वहाँ की। राहिल जी, क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है गानों को लेकर, अभी तक रिलीज हो चुका है ऐसी बात नहीं? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी एक्टर जो है उन्होंने फ़ोन किया, आज कुछ एक्टर आने वाले थे जिनकी शूट की वजह से वो नहीं आ पाए, तो सब बधाई दे रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। चंदा, इस गाने को कहाँ देख सकते हैं आपको, जो भी गाने रिलीज हुआ है आप YouTube पे बिफोर यू चैनल पे जाके आप देख सकते हैं गाने को। गाना का लिरिक्स आप लोगों ने लिखा है, तो किस तरह से आपको बताया गया, किस तरह से गाना
का लिरिक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ क्या टिप्स थी राहिल जी की तरफ से? एक्चुअली हमने 4-5 मंथ पहले इस गाने की मेकिंग चालू करी थी एंड हम जस्ट रैंडमली जैसे गाना बना रहे थे, वी वर कंपोजिंग द सॉन्ग एंड राइटिंग द लिरिक्स, देन मैंने स्क्रैच गाया था एंड स्क्रैच गाने के बाद लकीली वो गाना मेरे वोकल में फाइनली लॉक हो गया एंड राहिल सर के सपोर्ट की वजह से एंड फैजल सर के सपोर्ट की वजह से वो दोनों गाना लॉक हुआ एंड मैं बहुत थैंकफुल राहिल सर का एंड फैजल सर का भी कि मुझे ये चांस मिला अभी थोड़ी देर पर गाने गाने का। म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बता सके आप लोग? म्यूजिक काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है, म्यूजिक के बारे में दोनों ही गाने तो म्यूजिक के बारे में यही बताएंगे प्लीज आप। राहिल सर ने बहुत अच्छे से हमसे कराया, घड़ी घड़ी हमको बोला कि भाई ऐसे करो, थोड़ा ये चेंजेस कर लो, वो सब चीज़ें सर ने बताई और हम करते गए करते गए, बहुत मेहनत करी तो फिर ये सब आउटपुट आया सर। जी मैम, आप बताइए किस तरह से आप जुड़े हैं राहिल जी के साथ और क्या कुछ आगे प्रोजेक्ट करने वाले हैं? वैसे तो मैं राहिल सर को उतना नहीं जानती थी, मैं मोना मैम और ईशा मैम के वजह से उनको जानते थे, तो हमने एक बार मीटिंग की थी, देन उसके बाद राहिल सर ने बहुत बहुत फ्रेंकली मुझे डायरेक्टली बोला था कि यू कैन कम एंड वी कैन डू समथिंग, मतलब लाइक कुछ अच्छा करेंगे। मेरा कहना ये है कि लोग आते हैं बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए और सब मेहनत कर रहे हैं और नए लोग चांस नहीं मिलता है, लोगों बहुत परेशान होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये कि सबको चांस मिलना चाहिए और सबको ब्रेक मिलना चाहिए। जी, और मैं जान चाहता हूँ आप लोगों से आगे कुछ कहना चाहेंगे, सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग का भी सॉन्ग है भुला के मुझको तो मौसम की तरह, तो उसमें मुझे राहिल सर ने मौका दिया कि मैं उसमें काम करूँ, देन और थैंक यू पूरी टीम ने मुझे मौका दिया चीज़ में और शायद मैंने थोड़ा सा वो चीज़ प्रूव किया कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ, देन थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच टीम और थैंक यू आप लोग का कि आप लोग थैंक यू सो मच। गाने किस तरह से आप शूट करते हैं, कितने दिन में शूट हो जाता है गाने और किस तरह से? मैं एक गाना एक दिन में हम लोग शूट करते हैं और आर्टिस्ट सब बहुत प्यारे, बहुत मेहनत से काम करते हैं और मतलब किसी का नाटक नहीं है, बहुत प्यार से सब काम करते हैं और बहुत ईजी काम हो जाता है हमारा। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अभी? एक्चुअली हमारा 3 गाना इसी मंथ में हम चालू करने वाले हैं और इसके अलावा भी हमारी क्राइम सीरीज चालू होने वाली है अगले महीने से और बाकी फीचर में पिक्चर का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में, तो वो भी पिक्चर भी शुरू करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम काफ़ी कंटिन्यू कर रहे हैं और काफ़ी कंटिन्यू चल रहा है मेरा, जी में भी गाना है, टी सीरीज में भी है और बिफोर यू से तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और वो हमारे भाई साहब बैठे हैं पीछे बिफोर यू वाले, तो वो कुछ कहना चाहते हैं कोई अगर बाकी रह गया? बाकी यही बोलना क्या कि राहिल भाई जिस तरीके से नए लोगों को कास्ट कर रहे हैं और नए लोगों को चांस दे रहे हैं वो इतना खूबसूरत हो रहा है और सामने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं हम तीनों के तीनों वो भी अपनी तरफ से बहुत 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतना अच्छा लग रहा है काम करने पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सेट पे भी और सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से निकल रहा है। इसमें एडिट भी हमारे राम यादव सर है तो वो करते हैं और बहुत खूबसूरती से वो भी अपना काम करते हैं। और किस तरह से कॉन्फिडेंस मिलता है बिकॉज काफ़ी हद तक आप लोग न्यूकमर हैं, इस तरह के गानों से या इस तरह का जो अप्रोच मिलता है, एक प्रोजेक्ट मिलता है तो मिलता है? नहीं वो तो अभी धीरे धीरे मतलब खुद से ही हो जाता है, धीरे धीरे देखते दूसरे को भी मतलब काम करते हुए, तो वो लाइन्स में ही इतने मूड्स होते हैं कि अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। एज इट अ रोमांटिक सॉन्ग यू नो यू फील लाइक यू इमेजिन द थिंग्स यू गो विद द फ्लो। हाँ, इनके इनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि एक शाहरुख खान वाली फील है। गानों की लाइन अगर गुनगुनाना चाहे तो हाँ बिल्कुल गुनगुना दो भाई। मैं तेरे सामने तू मेरे सामने हो रही है बत्तियाँ बस इन आँखों से थोड़ा सा मुझको जी ले तू थोड़ा सा तुझको जी लूँ मैं थोड़ा सा ही से गुफ्तगू आज जी भर के कर लूँ मैं। थैंक यू। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये हमारे कैमरा मैन है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सपोर्ट किया है संदीप जी ने हमें और बहुत अच्छे से काम किया और बहुत प्यारा गाना इन लोगों ने निकाला है। आप भी काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले कर रहे हैं गाने का कैमरा मैन, प्लीज बताइए किस तरह से एक्सपीरियंस है राहिल जी के साथ गानों के साथ? राहिल जी के साथ में काम करने में बहुत मजा आया और अब मैं सोच रहा हूँ आगे भी काम करूँ क्योंकि सर बहुत अच्छे गुड जॉब और इनसे अच्छा इनका भी जॉब था सर, थोड़ा रिटेक हुआ पर काम करने में मजा आया। जनता क्या कहेंगे आखिर में, गाने जो है कहाँ देखें?
मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि हमारे गाने कंटिन्यू आ रहे बैक टू बैक, और वो बिफोर यू में जाके देखें और सारे गाने दिख जाएंगे। भले मेरा नाम डाल के भी चेक करेंगे तो सारे गाने आ जाएंगे, राहिल अली करके डालेंगे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो सारे गाने वहाँ पर मेरे आ जाएंगे। थैंक यू।